आज इक्षु वर्ग के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। विगत दिनों हमने द्रव्य विज्ञानी अध्याय की शुरुआत की। आचार्य वाग्भट ने इसे विभिन्न प्रकार के वर्गों में बांटा, कोई वर्ग, दुग्ध वर्ग, तेल वर्ग, मद वर्ग, चु वर्ग। तो आज हम कोई वर्ग का अध्ययन कर चुके हैं। नदियों के जल के बारे में देखा हमने, कौन कौन सी जलियां हैं, जल हमारे लिए क्या क्या उपयोग करता है। उपाधि जल के विषय में देखा, नारियल के बारे में जानकारी ली। उपाधि की जल के बाद में हमने अंतरिक्ष जल की भी चर्चा की। आज हम नंबर दो दुग्ध वर्ग है ना, दुग्ध वर्ग ही लेना है ना आज? जी सर, दुग्ध वर्ग शुरू करना है। तो दुग्ध वर्ग यानी सामान्य लक्षण दूध के क्या क्या हो सकते हैं, दूध क्या क्या करता है, क्या फायदा करेगा, किनको फायदा किनको नुकसान, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दूध के गुण, मुख्य स्वादी सभी प्रकार के दूध क्या करते हैं, तो पहले इसका बेसिक गुण जानेंगे, फिर अलग अलग जो प्राणी है जिनका दूध है वो हमारे लिए क्या उपयोग करता है, क्या उपयोग में आएगा। उसकी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के दृष्टिकोण में सामान्य लक्षण इसका मधुर रस है, मीठा है। रस की हम कल्पना कर चुके हैं, पृथ्वी और जल तत्व के मेल से मधुर रस बनता है। उसके बाद में मधुर विपाक। मधुर विपाक का मतलब पचने के बाद जो रस प्राप्त होगा, पचने के बाद में जो उसके गुण होंगे, पाचन के बाद में वो सभी क्या कहलाएंगे, विपाक शब्द से जाने जाएंगे। विपाक का आशय आपको समझ में आ गया, जो पचने के बाद में जो असर दिखाता है वो क्या देगा, ये मधुर के गुण देगा, यानी मीठे के जो गुण होते हैं वो सारे गुण ये देगा। मीठे का गुण शीतलता लेना है ना। तो यहाँ पर आगे दिया गया है शीत वीर्य। वीर्य का मतलब खाली वो शुक्राणु वाला वीर्य नहीं होता, आयुर्वेद के दृष्टिकोण में वीर्य का मतलब ठंडा या गर्म या उष्ण या शीत वीर्य हो सकता है, दोनों की प्रकृति से लेना देना है यहाँ पर। वात पित्त नाशक, ये वात का शमन करता है और पित्त का नाश करता है। क्यों? क्योंकि पित्त की तासीर गर्म है, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है और वात में ड्राइनेस है, तो ये ड्राइनेस को खत्म करता है। मधुर रस चिपचिपा है, स्निग्ध है, हमको पता है, उसकी विपरीत गुण वाला है, इसके कारण ये वात पित्त नाशक है। कफ कारक, यानी कफ का मतलब कफ कोल्ड, अंग्रेजी वाला कफ कोल्ड नहीं, आयुर्वेद वाला कफ पित्त वात। कफ कारक क्यों है, कफ को, कफ का निर्माण कैसे होता है, जल और पृथ्वी तल से, पृथ्वी और जल तत्व से मेल से कफ का निर्माण होता है। तो मधुर रस का भी निर्माण इसी तरह से होता है, मधुर रस है इसलिए ये कफ कारक है। तो जितने भी मीठे होंगे वो सब के सब कफ कारक होंगे। ओज वर्धक, वृष्य,
स्निग्ध होता है, ओज वर्तक, यानी सातों धातुओं को पुष्ट करने वाला, जो ओज को बढ़ा रहा है। तो रस रक्त मांस में पहले रस को बढ़ाएगा, रस से रक्त बनेगा, ऐसे पूरा सातों क्रम होंगे शुक्र धातु तक। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा और शुक्र सारी धातुओं का पोषण करने के बाद ओज का निर्माण होता है, ये हम जान चुके हैं। इसलिए क्या है ये ओजोवर्धक है, ओज को यानी आपके बॉडी के अंदर स्टेमिना देगा, सब कुछ देगा और सातों धातुओं का पोषण भी करेगा। स्निग्ध यानी चिकना है, वृष यानी ग्रहण करने वाला है, तो वृष कहलाएगा। दूध को आठ प्रकार का होता है ऐसा बताया गया है, दूध आठ प्रकार के वर्णन आयुर्वेद में बताए गए, जो हमारे लिए मनुष्यों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। गाय का, भैंस का, भेड़, बकरी, हाथी, ऊंटनी, स्त्री दुग्ध, स्त्री यानी मानव की, मानव प्रजाति की फीमेल, तो स्त्री दुग्ध, एक खुर वाली गधी, तो गधी यानी डंकी प्रजाति से आती है, घोड़ी का दुग्ध, एक खुर प्रजाति, एक अलग से सिंगल वो गधी के अंदर, गधा गधी में ये होता है, एक खुर वाली होती है, उसका डीएनए में ये होता है, उनके जो बच्चे होते हैं सब वो, बाकी सब जानवरों के जो दो दो तीन तीन अलग अलग खुर होते हैं उनके एक होते हैं, ऐसी गधी जो आती है उसके डीएनए में वो गुण पाया जाता है जिसकी हमें आवश्यकता है। घोड़ी का दुग्ध भी पाया जा सकता है, वो हमारे काम का है। ये सारे जो जीव हैं स्तनधारी हैं हमारी तरह समान रूप से, तो इनका दूध आयुर्वेद में उपयोगी बताया गया है। अब गौ दुग्ध की चर्चा करते हैं, तो ये क्या है, जीवनी है, रसायन है, जीवनी है यानी जीवन देने वाला है, जीवन शक्ति का निर्माण करने वाला है, जो जीवन जीने के लिए, शरीर को चलाने के लिए उपयुक्त है उसका निर्माण करता है। रसायन है, रसायन है तो इसका मतलब टॉनिक, आज के युग में उसे टॉनिक शब्द को अपन उसके पर्याय के रूप में ले सकते हैं, लगभग उसके करीब। रक्त पित्त जीर्ण ज्वर श्वास कास आदि रोगों में लाभकारी है। रक्त पित्त यानी जिनको ब्लीडिंग होती है, नाक से ब्लीडिंग आती है, शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग चल रही है, चाहे वो पाइल्स की स्थूला, किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो, माहवारी की ब्लीडिंग हो, ये सब जो ज्यादा ब्लड ज्यादा है शरीर से वो सारा पित्त बढ़ने की वजह से हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, रक्त पित्त को शांत करता है, तो ब्लड के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसको ठंडा करता है। जीर्ण ज्वर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा रक्त का तो ज्वर भी आएगा, बुखार भी आएगा, तो उसको भी ये कम कर सकते। श्वास कास, श्वास रोग जितने भी हैं उसमें भी लाभकारी है, कास खांसी के अंदर भी लाभकारी। भैंस का दुग्ध क्या करेगा, तो ये ज्यादा गुरु नहीं, भारी है, पचने में भारी है, शीतल है, तासीर ठंडी है, तीक्ष्णाग्नि यानी भूख को बढ़ाने वाला है, वह अनिंद्रा में हितकर है। जिनको नींद नहीं आती रात को देर तक, उनके लिए भैंस का दूध पी करके सो जाएं, ये लाभकारी परिणाम देगा। नींद न आने के कारण वात पित्त की वृद्धि हो सकती है, तो पित्त की जहां बहुत ज्यादा वृद्धि पाई जाएगी वहां पर ये पित्त वृद्धि के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। तो भैंस का दूध जिनको पित्त प्रकृति के लोग हैं उनके लिए अच्छा है, गाय का दूध वात प्रकृति के वालों के लिए अच्छा है, वैसे दोनों के फायदा करेगा, वात पित्त वालों को दूध कोई भी हो फायदा तो करेगा ही, लेकिन भैंस का दूध ज्यादा हितकर माना गया है।
क्योंकि नींद, अल्जाइमर, ब्रेन की बीमारियां जुड़ी हुई है सारी ठीक करने की क्षमता रखता है। बकरी का दूध क्या है, ये लघु है पचने में। मैं आपको बता दूं, जितने भी आसानी से कुछ शब्दों में समझना है तो इनको रटने की तो बात नहीं है, इनको समझना है। तो क्या करना, गाय आपको अक्सर कर मैदानी क्षेत्रों में मिल जाएंगी। अब पहाड़ी क्षेत्रों में आपको बकरी मिलेगी, ज्यादातर लोग बकरी का इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरा जो एरिया है उदयपुर संभाग, इधर मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, ये इसमें चले जाइए, पहाड़ी इलाका जो है, आदिवासी क्षेत्र जितने भी हैं, इनमें बकरी का दूध चलन में है ज्यादा। क्यों है, माउंट आबू के क्षेत्रों में भी बकरी भेड़ आपको खूब मिलेंगे, वहाँ पे गायें आपको कम देखने को मिलती हैं, लेकिन गायें कम देखने को मिलती है। भैंस तो लगभग नहीं के बराबर, मतलब होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, भैंसें होंगी, लेकिन ज्यादातर वहाँ के लोग बकरी को ज्यादा पसंद करते हैं, बकरी ज्यादा मिलेगी। तो भेड़ बकरी आपको वहाँ ऐसे एरिए में ज्यादा मिलेगी, मैदानी इलाकों में भी है लेकिन यहाँ पर अच्छी है। क्यों है, इसका दूध क्या है, लघु है, पचने में हल्का है, तो आप पी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, सूजन को हरने वाला है। पहाड़ी इलाकों में जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं, नीचे उतर रहे होते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं डैमेज बॉडी में होते हैं और शरीर को ज्यादा उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मेहनत करने के कारण जिन क्षेत्रों में जब ज्यादा मेहनत करते हैं अपन, तो ऐसे में हमारे शरीर के अंगों को जब भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो वात की वृद्धि होती है शरीर में। तो ये वात वाले लोगों को क्या है, उनकी पाचन क्षमता थोड़ी कमजोर होती है, तो उनके लिए पचने में हल्का है, ऐसे इसको आसानी से समझना है। तो जब शरीर में डैमेज होंगे, डिजेनरेशन ज्यादा होंगे, पहाड़ इलाकों में चढ़ना, गिरना, टूटना, शरीर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसी कंडीशन में शरीर में सूजन भी होगी, इन्फेक्शन भी होगा, है ना। जब इन्फेक्शन, सूजन वगैरह होगा, जिसके कारण बुखार भी होगा, शोष यानी सूजन, इसलिए बकरी का दूध उनके लिए बहुत अच्छा है। अतिसार, दस्त वगैरह हो गए पहाड़ी इलाकों में, ये सारी समस्याएं बॉडी में पित्त बढ़ जाता है के कारण ये सब होता है, तो वो ठीक है। श्वास, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा चढ़ना है, चढ़ने वालों को सांस की समस्याएं होती रहती हैं, और ज्यादा हाइट पे जितने ज्यादा जाओगे आप, तो उतनी ज्यादा ही आपको सांस की तकलीफ होगी। क्यों होगी, क्योंकि आरबीसी जो है, आरबीसी की साइज, मोटाई बढ़ने लगती है, तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो उसके लिए बकरी का दूध बहुत अच्छा है। तो जितने हाइट पे आप जाएंगे तो वहां सांस की समस्या बढ़ने लगती है, ब्लड के अंदर आरबीसी की साइज बढ़ने लगती है, हीमोग्लोबिन या इनके जो आरबीसी के कंटेंट्स कण है उनकी साइज बढ़ जाती है, बढ़ने के कारण ब्लड का फ्लो जो है रुकने में लगता है। तो रुकने के कारण जो है सांस लेने में जो तकलीफें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। रक्त पित्त, तो दूध तो सारे रक्त पित्त में फायदा करते हैं, लेकिन रक्त पित्त, पित्त की वृद्धि भी होगी तभी ये, यानी ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, हम ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा जब तो खून का दौरा शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रक्त पित्त होने की संभावना में ये बहुत अच्छा काम का है। भेड़ का दूध, भेड़ का दूध क्या है, मध्य है, यानी बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, हल्का भी नहीं है, उष्ण, ये गर्म तासीर वाला है, तो ठंडे इलाकों के लिए बहुत बढ़िया है। वात व्याधि कर, जिनको वात की समस्या होती है उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है, तो वात व्याधि को बढ़ा सकता है, ऐसे लोगों को इससे दूर रखना चाहिए। हिक्का, हिचकी वगैरह जो है उसमें लाभकारी है। श्वास के रोगों में भी अच्छा है, क्योंकि पचने में बहुत ज्यादा भारी नहीं है, मध्यम है, तो पित्त प्रकृति वालों के लिए अच्छा है, वात के लिए भी, वात वालों के लिए अच्छा नहीं है, बाकी के लिए ठीक।
कफ पित्त वर्धक, तो कफ पित्त और वर्धक यानी शरीर का वजन बढ़ाना हो तो ये भेड़ का दूध अच्छा है, घटाना हो तो बकरी का दूध अच्छा है, राइट। ऐसे इसको समझना। दूध बकरी के बनिस्पत पचने में थोड़ा भारी है। पित्तवर्धक क्योंकि गर्म है, अग्नि तत्वों को बढ़ाएगा स्वतः, इसलिए आपके शरीर में पित्त की वृद्धि करेगा। तो जो पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, जैसे कश्मीर के इलाके हैं, हिमाचल के इलाके हैं, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, उसमें ये अच्छा फायदेमंद रहेगा। राजस्थान में जहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है वहाँ अच्छा रहेगा। इस तरह से हमने कुछ दूधों के बारे में ये चर्चा देखी। अब भैंस का, बकरी का हो गया, अब घोड़ी के दूध के बारे में चर्चा करते, सॉरी वो भेड़ में पड़ गया था, वो घोड़ी ही है। घोड़ी के दूध के बारे में हमने देखा था, वो गर्म है तासीर। हाथी का दूध क्या करेगा, हथिनी का, मतलब हाथी तो दूध देता नहीं है, हथिनी की चर्चा कर रहे हैं। अति चैथेरी करे यानी ये वजन बढ़ाएगा शरीर में, पचने में थोड़ा भारी रहेगा, इसमें गाढ़ापन रहता है तो ये बहुत ज्यादा पचने में भारी हो जाए। तो पानी मिला के आप यूज कर सकते हैं, इसको हल्का करके यूज कर सकते हैं, वो अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये अति वजन बढ़ाने वाला है, इसको ऐसा समझिए। ऊंटनी का दूध क्या करेगा, ये लवण रस का है, इसमें क्या है लवण रस ज्यादा है यानी नमक, नमकीनपन ज्यादा मिलेगा इसमें, गर्म है, उष्ण है, दीपन यानी भूख को बढ़ाएगा, अग्नि तत्व तो इसमें ज्यादा है, अर्श शोफ उदर कृमि यानी पेट में कीड़े मकोड़े हैं तो उनके लिए अच्छा है, वात कफ नाशक, जब शरीर में वात की तासीर भी ठंडी है और कफ की भी तासीर ठंडी है तो ये गर्म होने के कारण उसमें क्या करेगा, शरीर में गर्मी लाएगा, अग्नि तत्व बढ़ा रहेगा शरीर में, तो ये दोनों का नाश करेगा, तो वात कफ नाशक हो गया। अर्श पाइल्स वगैरह जो है इस तरह के रोगों में, तो सूजन वगैरह इस तरह की परेशानियों में, इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उसमें ये फायदा करेगा, भूख बढ़ाता है। ऐसे लोग जिनको कैंसर के सेल ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, कैंसर के रोग ज्यादा सता रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा, इसलिए ये राजस्थान में पाया जाता है। गर्मी गर्मी को काटती है ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये शुरू में तो लवण रस है, नमकीन होते हुए उन सेलों को गलाने में थोड़ा सा लाभकारी परिणाम होता है, तो कैंसर के अंदर अच्छी बीमारी में, कैंसर जैसी बीमारियों में ये लाभकारी परिणाम देता है। भूख कम हो जाती है गर्मी के कारण शरीर में, लेकिन ये उल्टा है। तो दीपन का काम करेगा। चर्चा करते हैं, राजस्थान में इसलिए ऊंट ज्यादा पाए जाते हैं और ऊंटों का दूध ही वो लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऊंटनी का दूध ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं कि एक बॉडी में स्टेमिना ज्यादा देता है, ये जरा बंद कर लीजिए, काफी बर्तन वर्तन बज रहे हैं पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो राजस्थान में इसका पाया जाना ऊंट का वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये देखिए स्ट्रेंथ देता है बॉडी के अंदर। आप 50 डिग्री टेम्परेचर में, कहते हैं ना गर्मी गर्मी को काटती है, इसके वाले में दूध में गर्म होने के बावजूद भी ये आपको एक तो अग्नि तत्व बढ़ाता है, तो इसका जो अग्नि तत्व है
वो आपको स्ट्रेंथ देता है बॉडी में, दीपन यानी भूख लगाने का काम करता है, अग्नि तत्व बढ़ाता है, और साथ ही क्या करता है कि ये 50 डिग्री टेम्परेचर में भी इसका दूध हम यूज करके खड़े रह सकते हैं, स्टेमिना देता है, एक लंबा स्टेमिना देता है, इसलिए इसका दूध राजस्थान के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, -4 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। आप चूरू चले जाइए, जोधपुर चले जाइए, तो इस एरिया में ऊँट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, रेगिस्तान का जहाज भी इसे बोला जाता है। वो ऐसे एरियों में ऊँट ज़्यादा पाले जाते हैं। दूसरा, एक तो वहाँ पर पानी नहीं है, पानी की कमी पाई जाती है, तो ऊँट को आप कम पानी में भी ये आपका कार्य कर देता है। खाने को भी कम चाहिए, पानी पी कम चाहिए बहुत ज़्यादा, बाकी भैंस वैंस इनके बदौलत जो है इनके बनिस्पत ज़्यादा अच्छा है। तो कम खा के, कम पानी पी के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको देता है। स्त्री दुग्ध, जो मनुष्य प्रजाति हम लोग जो हैं, हम भी मैमल्स में ही आते हैं, हमारे बच्चों को भी हम स्तन द्वारा दूध पिलाते हैं, हमारे बच्चों को भी बाकी पशुओं की तरह जो हमारे साथ हैं। तो जो स्त्री दुग्ध है, इसकी चर्चा करते हुए महर्षि वाग्भट लिखते हैं कि वात पित्त रक्त, क्या कर रहा है ये, वात पित्त रक्त अभिघात जन्य, अभिघात जन्य नेत्र में के लाभकारी है, यानी आंखों की ज्योति बढ़ाता है और वात के रोगों में फायदा करता है, यानी बॉडी में थोड़ा सा स्टेमिना देता है, और पित्त रक्त, रक्त में रक्त का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा होता है, उसको भी ये कम करता है। तो ये इतने फायदे करता है, और नेत्र रोगों में फायदा करता है। आप सीधे तौर पे इसको आँखों के जो बीमारियां हैं उनमें ज़्यादा पित्त बढ़ने के कारण आप सीधे इसको आँख में ड्रॉप्स बना के भी डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा आँखों के रोगों में। देखते हैं ना, गर्मी के दिनों में आँखें आ जाती है, अभी बारिश के दिनों में आएगी, कई लोगों को आँखों का बुखार उखार हो जाता है, ये सब ऐसे में ये बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। तर्पण करता है, नस्य, आप ब्रेन से संबंधित बीमारियां में इसको नासिका द्रव्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा दूध जो है नाक में डाल सकते हैं, किसी को नक्सी वक्सी आ रही है उसमें भी फायदा करेगा। आश्चोतन, यहां जो ऐसे शब्दों का प्रयोग है जहाँ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इनका जो अर्थ वात पित्त से बड़ा, मतलब वात पित्त के अंतर्गत जितने भी रोग आते हैं उन सब में ये फायदा करेगा। तर्पण करता है यानी कफ की वृद्धि करेगा, नस्य यानी ब्रेन के अंदर भी ये फायदा करेगा, आंखों की रोशनी में फायदा करेगा, यानी ऊर्ध्व जंतु रोग, ऊपर के जो रोग है ना शरीर में, गले के ऊपर के जितने भी रोग, सब में ये लाभकारी परिणाम दे सकता है। एक खुर का जो प्राणी होता है उसका डीएनए में कुछ डिफरेंस आता है, तो डीएनए लेवल की चीजों को ठीक कर सकता है। तो क्या करेगा, ये अति उष्ण होगा, गर्म होगा, है ना, जड़ता देता है, यानी अति उष्ण है, बहुत ज्यादा गर्म है, जड़ता देता है, जड़ता का मतलब कफ की बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है, श्वास वात हर, सांस के रोगों में फायदा करेगा, वात हर, वात जो आपके शरीर में बड़ा है उसको भी ठीक करेगा। अमल लवण रस है, अमल लवण रस है, अमल का मतलब खट्टा,
हम लोग यानी थोड़ा सा हल्का खट्टापन मिलेगा, पीने में तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो पचने के बाद में विपाक है वो आपको हल्का सा खट्टे वाले गुण देगा शरीर में, और लवण रस है यानी थोड़ा सा नमकीन भी है। कच्चा दूध, किसी भी जीव का कच्चा दूध अभिशंदी है, गुरु होता है, भारी है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, गर्म करके पीते हैं ताकि ये पचने में थोड़ा हल्का हो जाए, आसानी से पच जाए। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे ही दूध को लेते हैं और इसमें आधा दूध आधा पानी मिला करके यूज करते हैं। ऐसे ही ऊँटनी का दूध भी बिना बर्तन में डाले हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियों में भी ये फायदा करता है। बकरी का दूध भी हम सीधे तौर पे इसका इस्तेमाल करें, सीधा उसके स्तन से आप यदि यूज करते हैं तो बहुत ही फायदा देता है। पक्का दूध, थोड़ा सा छपने में गलती आ गई, कच्चा दूध और पक्का दूध अतिशय गुरु होता है, ये भी उसके मुकाबले थोड़ा हल्का होता है लेकिन भारी होता है। पक्का दूध को मतलब जैसे पका के पकाते पकाते इसका पानी उड़ा देते हैं, कुछ रबड़ी जैसा बन जाता है ना, गाढ़ापन आ जाता है उसमें, हल्का डार्क कलर आ जाता है उसमें, तो ऐसा दूध पक्का दूध कहलाता है। जैसे पक्का पानी जैनी लोग कहते हैं, पक्का पानी उसको उबालते उबालते आधा कर लेते हैं वो पक्का पानी, या पौना कर लेते हैं पक्का पानी, ऐसे ही पक्का दूध। ठीक है, तो कच्चा और पक्का दूध की हमने चर्चा कर ली। अब देखते हैं धारोष्ण दूध, सीधा जो धार मुंह लगा करके आप सीधे तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी जीव का, जो ऊपर बताया दूध में, ये सब अमृत के समान है, ये सब अमृत के समान है। क्यों होता है ऐसा, देखिए हम जो दूध पीते हैं वो गिलास में डालते हैं या किसी और चीज में डालते हैं, तो गिलास हमारे देश का है नहीं, पहली बात तो नंबर वन। नंबर टू ये कि ये जो है इसका सरफेस टेंशन इसमें बढ़ जाता है, इसलिए उसको गर्म करके हम लोग पीते हैं जिससे सरफेस टेंशन कम हो जाए, ताकि शरीर के अंगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और उसका नुकसान ना हो सरफेस टेंशन बढ़ने का। इसलिए सीधा धारो धारोष्ण यानी सीधी धार मुंह में डाल करके यूज करते हैं, तो ये धार क्या कर रही है, जैसे ही आपके जीभ पर जाती है आप क्या कर रहे हैं, जैसे बच्चे को देखो चूस चूस के पी रहा है राइट, तो आपके लार के अंदर मिक्स होकर के बॉडी में जा रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। लार के अंदर मिक्स करके जा रहा है तो आपको बहुत फायदा करेगा। बच्चे को दूध पिलाती है माँ, आप देखिएगा बच्चा उसको अच्छे से चूस करके निकालता है दूध को, मतलब और उसमें लार मिक्स हो जाती है, क्योंकि वो जीभ का प्रेशर रहता है और जीभ के साथ लार भी रहती है, तो ना तो जच्चा को नुकसान ना बच्चे को नुकसान, माँ को भी फायदा, दूध पिलाने वाली को फायदा क्या है, उसको जो एक्स्ट्रा जो कैंसर सेल हो या ऐसी कोई जो बीमारियां होती हैं वो सब नहीं हो पाती, तो इसलिए इसको धारोष्ण दूध को बहुत अच्छा माना है, क्योंकि लार उसके स्तन में भी जाती है, हमें स्तन को वहां वो छूते ही लार बच्चे के मुंह से, तो वो बच्चा बड़ा कोई भी हो तो उसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा स्टेमिना भी जनरेट होता है, तो उस माँ को भी फायदा होता है और बच्चे को भी फायदा होता है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर लोग भी आजकल बोलने लगे हैं कि भाई 2 साल तक हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, आए या ना आए लगा के रखो, है ना, बच्चा कोशिश करता रहेगा और आप भी कोशिश करते रहो, ताकि इन फ्यूचर जो होने वाले रोग हैं, ऐसी माएँ आजकल जो जॉब में हैं काम कर रही होती हैं कामकाजी महिलाएं, उनको आप देखिए बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, तो ऐसी बीमारियों की सुरक्षा के लिए और बच्चे की लार जो है उस स्तन पर लगती रहे, उसकी दवा भी होती रहे, उसको कोई बीमारियां ना आए, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह जनरेट ना हो, उन सब के लिए ये बहुत फायदा है। कुत्ते को आप देखिएगा, कुत्ता गाय कोई भी चौपाया देख लो,
वो अपने बच्चे को चाट चाट के साफ करता है, उसको कोई घाव हो जाता है तो वो भी चाटता रहता है, क्योंकि जीभ के अंदर क्या पाया जाता है, जीभ में लाइसोजाइम पाए जाते हैं, उसके अंदर लाइसोजाइम होने की वजह से वो दूसरे जो विषाणु कण जो उसमें आते हैं लगते हैं उन सब का नाश कर देती है, ऐसी लार जो है वो फायदा करती है। इसलिए सभी माओं को चाहिए कि वो 2-2.5-3 साल जब तक बच्चा दूध पी रहा है, थोड़ा सा आए चाहे आए ना आए कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा प्रयास करते रहेंगे तो वो आता भी रहेगा। तो प्रयास पूर्वक आपको सफलता मिल सकती है, आप रोगों से बचे रहेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। दही, दही क्या करता है, तो दही रस में देखा जाए तो अम्ल है, खट्टा है, इसका जो विपाक है पचने के बाद वो भी खट्टा है, खट्टा रस, ठीक है, यानी एसिडिक है ये दही। क्या हुआ, एसिडिक हुआ, खट्टे में क्या है अग्नि तत्व ज्यादा है, तो क्या हुआ खट्टा होने से जितना ज्यादा खट्टा हो जाएगा उसमें अग्नि तत्व बढ़ जाएगा और वो एसिडिक होगा, यानी आपको एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो दही का इस्तेमाल करेंगे तो आपको परेशानी दे सकता है। पंजाब के अंदर कुछ चलन आ गया है, दही और पराठा सुबह सुबह खाते हैं नाश्ता करते हैं, तो उनको ये पता है पराठा जो है गुरु है, पचने में भारी है, तेली कंटेंट है उसमें, वो लोग दही डाल करके खाते हैं, उसके अंदर दही को यूज करते हैं, तो उसमें क्या है ये एक फायदा तो करता है लेकिन उस धरती के लिए अच्छा है, यहाँ के लिए नहीं। अपन सोचे कि दही पराठा मैं राजस्थान में खाऊं उतना फायदा नहीं मिलता जितना पंजाब की धरती पर मिल सकता है। तो कहते हैं ना धरती विशेष पर कुछ चीजें फायदा ज्यादा करती हैं और उसके गुण वहां पर हमको नुकसान नहीं करते, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन अभी जो केमिकल वाला खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सभी धरती अपने गुण पित्तीय या अम्लीय हो चुके हैं, उन्हें एसिडिक हो गए हैं, जिनके कारण अभी बीमारियां आने लगी, अन्यथा जब हम देसी खाद का इस्तेमाल करते थे तो ये बहुत फायदा करता था। तो ऐसा दही पचने में खट्टा है, मतलब पचने में भारी रहेगा और अम्ल है एसिडिक है तो बॉडी में एसिडिक करेगा, यानी शरीर में गर्मी पैदा करेगा, यानी पित्त को बढ़ाएगा, तो पित्त कारक है, ग्राही है, ग्राही यानी शरीर में से जो स्रोत हैं आपके खुलते हैं उनको रोक देने की क्षमता रखता है। चाहे वो जीभ के स्रोत हों, चाहे वो हमारे ब्रेन से निकलने वाले रस हों या अन्य कहीं भी रस, ग्लैंड्स जितनी भी हैं ग्लैंड्स में ये थोड़ी सी बाधा देगा, जिनको लार ज़्यादा बनती है उनके लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है। ज़्यादा बनना तो अच्छा है वैसे, कैंसर से आप बचा रहता है बंदा, लेकिन बहुत ज़्यादा बने तो भी नुकसानदायी है। वात नाशक है, वात का शमन करने वाला ये, क्योंकि वात का गुण क्या है, ठंडा है, और वात वाला व्यक्ति क्रश होता है, कमजोर होता है, तो अब ये कमजोर व्यक्ति के लिए अच्छा है क्योंकि वजन बढ़ाता है। दूसरा क्या है, वजन बढ़ाने वाला तो वात नाशक है और गर्म भी है तासीर में, तो उसके लिए तो अच्छा है, पित्त प्रकृति वालों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए पंजाब में जाइएगा आपको मोटे लोग मिलेंगे, वजन में ज्यादा भारी होते हैं, लंबे चौड़े जिनको बोलते हैं, जो भी बोल सकते हैं आप, जो भी चोपकृत, यानी शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ेगा, इन्फेक्शन ज्यादा फैलेंगे तो क्या होगा, सूजन होगा, तो सूजन को बढ़ाने वाला है विषम ज्वर, ऐसा ज्वर विषम ज्वर, यानी विषम ज्वर से परिकल्पना कर सकते हैं कि ऐसा ज्वर जो आज आया है कल नहीं आएगा, परसों आ जाएगा, फिर पले रोज नहीं आएगा, ऐसे विषम ज्वर, यानी कभी भी आ गया और कभी भी चला गया उसकी मर्जी, मतलब विषम ज्वर एक के बाद, जैसे ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां जैसे दिल्ली में चली थी ना,
इसी टाइप का कुछ है, तो ये ऐसा विषम ज्वर हो गया। हम मैथ्स हमारे गणित में हम पढ़ाते हैं गुरु जी सम संख्या और विषम संख्या, ऑड और इवन नंबर, बस वही है, ये विषम ज्वर। मूत्र कुछ यानी ये आपको पेशाब से संबंधित भी परेशानियां दे सकता है, पीनस सॉरी पेशाब में लाभकारी है, विषम ज्वर में भी लाभकारी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको कुछ गलती हो गई है तो मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। इसका रस जो है क्या है, गर्म है, तासीर में अम्ल रस है, खट्टा है, ग्राही है, रोकने लायक है, मतलब जो भी बहता हुआ कोई कंटेंट बॉडी में से बह रहा है तो उसको रोकेगा, ग्लैंड्स में भी ज्यादा कोई स्राव हो रहा है तो उनको रोकेगा, वात नाशक है, वात का नाश करता है, शोककृत यानी सूजन को बढ़ाएगा, और विषम ज्वर मूत्रकृच पीनस में लाभदायक है। तो विषम ज्वर में लाभकारी होगा और मूत्रकृच मूत्र की जो बीमारियां हैं उनमें, और पीनस जुकाम जो आता है नजला जुकाम जो बहता है पतला पतला जुकाम आता है, छींक आती है और उसके बाद में जो पतला जुकाम शुरू होता है वो वात के कारण होता है, तो उसमें ये वात नाशक होने के कारण उसमें लाभकारी परिणाम देगा जो पतला जुकाम आता है उसके लिए। रात में नहीं खाएं, इसके लिए बिल्कुल लिखा हुआ रात में नहीं खाएं, और बसंत ग्रीष्म और शरद में नहीं खाएं। कौन कौन सी ऋतु है, तीन ऋतुओं का आप ध्यान रखिए, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म गर्मी में क्योंकि ये गर्म है तासीर में, शरद में नहीं खाएं। शरद में क्या पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ने के कारण जब पित्त बढ़ने वाला ऋतु आएगा तो उसमें नहीं खाना है। नवनीत यानी नया बना हुआ, नवनीत क्या है, शीतल है, ठंडा है, अग्निवर्धक है, अग्नि को बढ़ाता है, वृषण ग्राही है, ये वृषण करेगा मतलब शरीर की वृद्धि करेगा, एकदम ताजा दही है, तुरंत जमा हुआ, अभी जमाया चार पांच घंटे में जो जम गया है ऐसा दही नवनीत कहलाता है। उसको थोड़ा छाछ बना देंगे तो और भी ज्यादा फायदा करता है। देखिए दूध से जो दूध फायदा करता है उससे दही अच्छा, दही से छाछ अच्छी। और छाछ से निकला हुआ मक्खन और अच्छा, राइट ऐसे हम क्रम को देखते हैं। तो ये शीतल है, ठंडा रहेगा, जो तुरंत नवनीत है दही जमा हुआ, ये गर्म नहीं है, लेकिन जैसे जैसे खट्टा होता जाएगा ये तासीर में बहुत ज्यादा गर्म होता जाएगा, खट्टा होते जाए। अग्निवर्धक है, ये शीतल होने के साथ साथ अग्नि तत्वों को शरीर में बढ़ा रहा है। वृष्ण यानी कहीं शरीर में मतलब शरीर का पोषण करेगा, वृष्ण यानी पोषण करेगा, ग्रहण करते हैं ना अपन जैसे, तो ऐसे पोषण करेगा। ग्राही है यानी शरीर के अंदर ग्लैंड में से जो अतिरिक्त स्राव है उसको रोक सकता है। थायराइड के पेशेंट जो होते हैं उनको डॉक्टर बोल देते हैं भाई खा लो, क्योंकि T3 T4 एक्सेस जो बॉडी से स्राव निकलता है उनको ये ठीक कर सकता है, कुछ हद तक उसमें लाभकारी परिणाम देगा। वात पित्त रक्त नाशक, वात की वात को कम करेगा, मैंने बता ही दिया आपको, पित्त और रक्त, तो पित्त जो वृद्धि होती है शरीर में, रक्त के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तुरंत पका हुआ तुरंत वाला नवनीत नया वाला, पुराना नहीं, पुराना तो बढ़ा देगा इसको उल्टा करेगा। अर्श पाइल अर्दित खांसी वांसी जो होते हैं इनमें कास में लाभकारी, ठीक है, तो इस तरह से ये लाभ मिलेंगे इसके। अब घी की चर्चा कर लेते हैं,
घी का गुण क्या है? घी आपकी याददाश्त बढ़ाता है, स्मृति, मेधा, बल, आयु आयु का वृद्धि करता है, और अग्निवर्धक, ये अग्नि का कारक है, ये अग्नि को बढ़ाता है, अग्निवर्धक, यानी किसी को भूख नहीं लगती है, कम मात्रा में सौंठ का पाउडर दो चुटकी और आधा चम्मच घी और एक चुटकी या दो चुटकी इसमें सेंधा नमक मिला करके आप यदि खाना खाने से पहले खाते हैं और फिर खाने का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, ये क्या कर देगा? आपके भूख की वृद्धि करेगा, बहुत शानदार भूख लगाएगा। वात पित्त नाशक, वात क्या और पित्त का जो है नाश करता है। उन्माद, जो ब्रेन की बीमारियां होती है ना, उन्माद उसमें फायदा करता है। शोष, सूजन यानी ज्वर बुखार नाशक है। सूजन कहीं है बॉडी में तो उसको भी ये खाने में कम करेगा, लगाने में नहीं कह रहा मैं, खाने में कम करेगा। तो सभी स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ, जितनी भी चिकनाइयां हैं शरीर में जाने योग्य, वो उन सब में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तेल वेल जितने भी हैं, बाकी घी, इन सब में ये घी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो सभी स्नेहों में, सभी चिकनाई जी चीजें हैं उनमें सब में सर्वश्रेष्ठ है। संस्कार करने पर हजारों कर्म कर सकता है, यानी इसको अग्नि संस्कार से गुजारा जाए और इसमें और कुछ औषधियों का संस्कार कर दिया जाए तो हजारों कर्म कर सकता है, हजारों कार्य कर सकता है शरीर के अंदर, यानी बहुत सारी बीमारियों की का शमन कर सकता है। पुराना घृत, पुराण घृत यानी पुराना जो घृत होता है रखा हुआ, 90 दिन से पुराना हो गया, ये किन किन रोगों में फायदा करेगा? अपस्मार, मूर्छा, बेहोशी होशी आती है, शिरो रोग, अपने जो नसों की जो बीमारियां हैं, शिराओं के रोग हैं, कर्ण रोग, कान के रोग हैं, योनि रोग में लाभकारी है। योनि यानी जो यूट्रस वाला एरिया है, इसको बहुत सहायक है, इसके जो रोग होते हैं यूट्रस के उनमें सहायक है, उनके रोगों में फायदा करता है, लगाने पर भी फायदा करेगा। जिनको बहुत ज्यादा माहवारी जाती है, पीसीओडी हो रखा है, खाली ऊपर से लगा लोगे तब भी फायदा करेगा, और अंदर की तरफ इसको आप लगाएंगे तो और ज्यादा फायदा कर सकता है। बस हाथ को साफ करना है, क्योंकि यूटीआई वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा सब चीजों को समझना होगा। हाथ की साफ सफाई, सफाई के साथ में उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों में फायदा करेगा। कैसे करेगा? जब हम पंचकर्मा सीखेंगे तो ये सारा हम बताएंगे कि कैसे लगाया जाता है, क्या तरीके होते हैं उसके, वस्ती वगैरह, महिलाओं की जो वस्ती होती है, पुरुषों की अलग वस्ती होती है, इनमें सब में वस्तियों के कई प्रकार, जब हम वो सारी चीजों पर जाएंगे, वो सीखेंगे, तो उस लेवल पर ये सारी चीजें आ जाएगी। आप चक्र की चर्चा है, चक्र का मतलब, चक्र छाछ मतलब, इसको चक्र कहा गया है संस्कृत में। तो रस इसका क्या है? कषाय है, कषाय रस है, चक्र का मतलब कषाय रस, चक्र जो है कषाय रस वाला, खट्टा तो है ही लेकिन उसके साथ इसमें कषाय रस भी पाया जाता है। छह रसों की चर्चा करते हैं तो कषाय रस भी इसमें देखने को मिलता है। अम्ल खट्टा है, वात कफ नाशक, वात और कफ की बीमारियों को शांत करता है, ठीक करता है। दीपक भूख लगाने का काम करेगा। गृहिणी, आजकल IBS वगैरह जो इसी श्रेणी में आ जाती है, गृहिणी के भी कई प्रकार हैं आयुर्वेद में, लेकिन IBS भी उसका एक प्रकार हिस्सा है,
हर्ष फाइल्स वगैरह, उधर रोग, पेट की बीमारियां, गुल्म जो गोला होता है गैस का पेट के अंदर घूमता रहता है, यहाँ वहाँ दर्द होता है जिसके कारण परेशानी होती है। घृत व्यापद विष पांडु रोग में हितकारी। घृत व्यापद यानी घी निकालने के बाद, घृत व्यापद घी निकालने के बाद विष जो शरीर में विष जमा है टॉक्सिक मटेरियल उनको बाहर निकालने में सहयोगी है। पांडु रोग में हितकारी, पीलिया रोग में इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कामला, पांडु, ये सब कई प्रकार हैं पीलिया के। हम लोग हेपेटाइटिस ए भी बोल देते हैं उसको। दूध और घी में गाय के श्रेष्ठ है। दूध और घी में गाय के श्रेष्ठ है, दूध और घी में भेड़ के निकृष्ट है। देखिए ये जो चीज है ना, दूध और घी किसका सबसे श्रेष्ठ है? गाय का। और दूध और घी में भेड़ निकृष्ट है, यानी एक श्रेणी बना दिया जाए कि इन सभी 7-8 जो पशुओं को हमने देखा, उनको समझा, उनकी जो दूध के प्रकारों को समझा, तो उसमें भेड़ का दूध और घी निकृष्ट माना है, सारे जीवों में सबसे श्रेष्ठ दूध और घी गाय का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी A2 मिल्क, भारतीय स्वदेशी गाय, अंग्रेजी वाली नहीं, वो तो गाय है ही नहीं, पता नहीं क्या वो, तो उसमें ये सर्वश्रेष्ठ माना है। और दूध और घी में भेड़ निकृष्ट है, अच्छा नहीं। बात करते हैं नंबर 3, इक्षु वर्ग। इससे दूध वर्ग हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और हम इक्षु वर्ग की चर्चा करते हैं। इक्षु वर्ग क्या? गन्ने के सदृश्य, यानी किसी चीज को दबा करके उसका रस निकाला जाए, इसको इक्षु वर्ग में आ जाएंगे ये सारी चीजें। तो गन्ने का रस रेचक है, स्निग्ध है, चिकना है, रेचक यानी रेचन करता है बॉडी का, स्निग्ध है, चिकना है, रक्त पित्त नाशक है। देखिए दो चीजें, एक तो रेचक और पोषक, पोषण का मतलब पोषक, पोषण करता है, रेचन यानी शरीर में गंदगी की सफाई करना। जैसे हम प्राणायाम करते हैं ना, तो सांस को लेना छोड़ना ठीक इसी प्रकार से ये रेचन जो है यहां पर भी शब्द का प्रयोग किया है। वो स्निग्ध है, ये चिकना है थोड़ा, रक्त पित्त नाशक यानी ब्लड को साफ करता है, शरीर के जो खून के टेम्परेचर को, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसको कम करता है, उसके तत्व को कम करता है। मधुर रस मीठा है, मधुर विपाक पचने के बाद भी ये मीठा रस ही देता है। मूत्रल पेशाब को बढ़ाता है, जिनका पेशाब रुका रहता है किसी भी कारण रुका हो, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि हो गई हो, हम अंग्रेजी में चाहे कितनी ही बीमारियां नाम गिना लें, लेकिन सब के सब में ये अच्छा है, ठीक है। पेशाब को बढ़ाता है मूत्रल, जिनको पेशाब रुक रुक के आता है उसमें भी ये फायदा करेगा। ग्रहण करता है, शरीर की वृद्धि करता है, यानी उसमें कोई कमजोर व्यक्ति है उसके लिए अच्छा है, ग्रहणम का कार्य करता है। वात नाशी है, वात का नाश करता है। दंत पीड़ित
शर्करा के समान। एक चार्ट अपन बना लें और चार्ट के हिसाब से यदि हम देखना चाहें तो कौन सा इक्षु वर्ग में हीन रस होगा और कौन सा अच्छा होगा। यानी अब यहाँ पर एक टेबल के अनुसार देखते हैं, तो गन्ने के कुछ प्रकार देखेंगे तो ये दंत पीड़ित यानी दांतों के रोगों में शर्करा के समान यानी मीठा है तो दांतों के रोगों को शायद कुछ हद तक बढ़ा सकता है, दंत पीड़ित कर सकता है, दांतों में पीड़ा को बढ़ा सकता है। यानी इसको पीने के बाद में आपको दांतों को साफ करना होगा ऐसा बताया गया है, नहीं तो क्या होगा, दांतों की पीड़ा को बढ़ाएगा, जिनको दांतों का दर्द है उनको भी बढ़ा देगा। तो ऊपर गुण देखे हैं तो किसी चीज के कुछ अवगुण भी होंगे, अवगुणों में हमने देखा दंत पीड़ित यानी ये बढ़ा देगा, यांत्रिक पीड़ित यानी सिस्टम में कोई खराबी लाए तो विदा ही है, दाह कारक यानी कोई दर्द जैसी कोई बीमारी, कोई बहुत ज्यादा किसी को तकलीफ है तो कुछ हद में उसको दांतों के दर्दों को बढ़ा सकता है। गुरु पचने में थोड़ा सा भारी है, विष्टम्बी होता है, विष्टम्बी विष्टा, विष्टा क्या का है जो पेट को साफ करता है मल को बाहर निकालने में, विष्टम्बी होता है यानी शरीर में पेट ही नहीं पसीना किसी भी तरह से ब्लड की सफाई करेगा तो पसीने से भी बाहर निकालेगा, मूत्र को भी बाहर निकालेगा, विष्टम्बी बताया है, विष्टा जहां से भी निकलती है चाहे वो पसीने के रूप में निकले चाहे वो पेशाब के रास्ते निकले या मल के रास्ते पॉटी के रास्ते निकले, तो शरीर के टॉक्सिक मटेरियल को क्या करेगा ये बाहर निकालता, तीनों रास्तों से निकाल सकने में सक्षम है, विष्टम्बी होता है। अब गन्ने के कुछ प्रकार हैं तो वास गन्ना क्या कर रहा है ये थोड़ा सा हीन है, शतपर्वक कांतार और जो नेपाली गन्ना है वो और पौंड्रक ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, यानी इससे श्रेष्ठ ये, इससे श्रेष्ठ ये, इससे श्रेष्ठ एरो बना के ये श्रेष्ठतम की तरफ जा रहे हैं और इधर हीनतम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हीन गन्ने की अलग अलग प्रजातियों में कौन श्रेष्ठ, तो पौंड्रक श्रेष्ठ और हीन की तरफ जाते हैं तो इधर नीचे की तरफ वास्तव में, इस क्रम को आप समझ सकते हैं। गन्ने के रस की विकृतियां, पांच विकृतियां हैं, अब जो शुरुआत में अपन गुड़ गुड़ बना रहे हैं ये सब जो देख रहे हैं तो इन सब में श्रेष्ठता की चर्चा करते हैं तो पणित यानी थोड़ा सा गन्ने के रस को आप गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं, ये यहाँ से हीन शुरू होता है फिर उसके बाद गुड़ और अच्छा है उससे, क्योंकि जब जैसे ही गन्ने के रस के अंदर फास्फोरस चेक करते हैं अपन तो कम मात्रा में पाया जाता है। ये बड़ी विचित्र विज्ञान है, ये समझ में नहीं आता आज के आधुनिक विज्ञान को, किसी चीज को जलाया जा रहा है गर्म किया जा रहा है तो उसमें फास्फोरस कैसे बढ़ सकता है, और लेकिन यहाँ बढ़ता है ना, उसमें तो वो किसी चीज को जलाएंगे तो कार्बन आना चाहिए ना, यहाँ फास्फोरस बढ़ रहा है, तो गुड़ में और ज्यादा फास्फोरस है
और मत्स्यंडी का, यानी जो गुड़ को गाढ़ा करके एक जमा करके वो बनाया जाता है वो और ज्यादा अच्छा है, उससे जो खांड बनाते हैं वो ज्यादा अच्छा है, और उससे निकली हुई शर्करा यानी देसी शक्कर, ये चीनी नहीं आधुनिक वाली नहीं, देसी शर्करा, वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। ये श्रेष्ठम की कहानी हम इस तरह से देख सकते हैं, हीन से लेकर के शेष तक की यात्रा गन्ने का रस किस प्रकार करता है। तो इसकी पांच प्रकार की विकृतियां, फणित। अब ये फणित पहले वाले में क्या, फणित यानी हीन क्यों बताया इसको, क्योंकि ये त्रिदोष कर है, तीनों दोषों को बढ़ा सकता है। गुड़, सेकंड नंबर का गुड़ की चर्चा करते हैं, तो ये क्या है, ये कफ वर्धक है, गुड़ क्या करेगा कफ को बढ़ाएगा और मूत्र मल को बाहर निकालता है। मैंने बताया मूत्र मल शरीर से गंदगी को साफ करता है, खून को भी साफ करता है, चाहे वो पसीने के रास्ते हो चाहे कैसे भी करके बाहर निकालेगा। तो मूत्र मल को यानी मूत्र मल को ज्यादा बनाएगा। ये देखिए कुछ चीजें क्या होता है, कुछ औषधियां होती हैं वो शरीर में जाने के बाद में उसका निकासी का मार्ग अलग होता है, कुछ पॉटी के रास्ते निकलेंगे, कुछ पेशाब के रास्ते, कुछ पसीने के रास्ते। ये जो है गुड़ कफ को बढ़ाएगा, और ये निकलेगा कहाँ से, इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो ऊर्जा शरीर में काम में आ गई है, अब ये वेस्ट होने के बाद में इसमें से भी तो कुछ वेस्ट बनेगा, तो जो वेस्ट बनेगा वो कहाँ से निकलेगा, मूत्र मल को बाहर निकालता है, यानी पेशाब को साफ करता हुआ ये बाहर निकाल रहे। क्लियर हो गया यहाँ पे। कृमि मज्जा, रक्त मांस मेद कफ वर्धक, यानी कृमि मज्जा यानी शरीर में कृमि को बढ़ा सकता है, और क्या क्या बढ़ाएगा, मज्जा धातु को, रस धातु को, मांस धातु को और मेद धातु को, और इन सभी धातुओं को ये बढ़ा देगा शरीर में। तो मज्जा, रक्त, मांस और मेद, इन धातुओं को वृद्धि करेगा, और कफ वर्धक है यानी शरीर में वजन बढ़ाने का काम करेगा। अब ये तो नए गुड़ की बात हो गई, पुराना गुड़ रिद्ध व पथ्य है। पुराना गुड़ यानी एक साल पुराना गुड़ जो होगा वो हार्ट के लिए अच्छा है, वो पथ्य है, खाने योग्य है। नया गुड़ पचने में भारी होगा तो वो आपको फायदा नहीं करेगा, जितने भी पुराने गुड़ होंगे वो ज्यादा अच्छे माने गए हैं। नवीन गुड़, नया गुड़ और पुराना गुड़ के बारे में कंपेरिजन करते हैं, तो नया गुड़ क्या कर रहा है, शरीर में वजन बढ़ा रहा है, लेकिन पुराना जो गुड़ क्या कर रहा है, आपके वजन को मैनेज कर रहा है, कम कर सकता है, ठीक कर सकता है, और हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। पथ्य है, खाने में अच्छा है। नवीन गुड़ कफ को बढ़ाएगा, अभिमान करता है, कफ को बढ़ाएगा, शरीर के वजन को बढ़ा सकता है, अभिमान करता है, भारीपन ला सकता है। मधु वर्ग, चार नंबर में देखते हैं, मधु वर्ग मीठा जो है, मधु मतलब शहद, शहद का अलग अलग वर्ग हो सकते हैं, शहद में भी कई प्रकार के हो सकते हैं, तो इस श्रेणी का जो वर्ग जिसमें ये क्या है, रस कषाय है और मधुर है, इसमें क्या है, रस, रस को चर्चा करें, छह रस है ना अपने, तो मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कड़ु तिक्त कषाय, से छह रस है, उनमें से छह रसों में कौन सा है, ये कषाय रस है और मधुर रस है। मीठा होने के साथ साथ कषाय रस भी है, तो बॉडी में सफाई भी करता है, इस कषाय रस के कारण ही शरीर का वजन कम करता है, तो कुछ लोग खाली पेट सुबह पानी में मिला के इसको लेते हैं।
तो पोषण भी कर रहा है, मधुर रस होने के साथ साथ मधुर रस वजन बढ़ाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है मधुर को, कषाय रस सुखा दे रहा, बैलेंस भी कर रहा है। वात कारक है, वात भी शरीर में वृद्धि करता है, मधुर रस होते हुए भी वात की वृद्धि कर रहा है क्योंकि कषायपन ज्यादा है। रक्त पित्त, रक्त पित्त को बढ़ा सकता है, सॉरी वात कारक है वात को बढ़ाएगा, रक्त पित्त और कफ नाशक है। रक्त पित्त यानी जो ब्लड की जो बीमारियां है उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ गया होता है, उसमें पित्त की मात्रा रक्त में बढ़ गई है, तो उसको ये कम करेगा, और कफ नाशक है यानी शरीर के वजन को भी घटाएगा, कफ को नाश करेगा। छेदक है यानी ड्रिल करके ये खोद खोद के बाहर निकालता है, इसलिए खांसी के रोगों में, क्योंकि वहां पे कफ को छेद करके बाहर निकालना है, ड्रिल करना है, जमे हुए कफ को बाहर निकालना है, उसको पिघलाएगा, पिघला के इसको बाहर निकालने में सहायक है, इसलिए खांसी जो जम जाती है दमा अस्थमा वालों को ये अच्छा रहता है, देते हैं। जब खांसी होती है तो तुरंत इसको किसी को चटा दो तो उसमें कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही, बाकी औषधियां इसमें मिला करके देंगे तो और अच्छा फायदा करेगा, जैसे सीतोपलादी चूर्ण के साथ में इसका उपयोग बहुत अच्छा फायदा करता है। गोदंती भस्म, सीतोपलादी चूर्ण और मधुयष्टि चूर्ण इनको मिला करके और इसके साथ शहद मिला करके देंगे तो ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा खांसी में और वजन को भी कम करेगा। व्रण शोधक, घाव हो रखा है कहीं आप उस पर लगा दो शहद को, ये आपके बीटाडीन जो है या बीटाडीन गार्गल जो करते हैं गले की सफाई, उससे कई तीन गुना ज्यादा पावरफुल है, आज के आधुनिक विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है, हमने नहीं कहा, आधुनिक विज्ञान वाले कहते हैं कि शहद की इतनी पावर है कि तीन गुना बीटाडीन से ज्यादा घाव को बढ़ने की ताकत है। अब आप बताइए आपके पास में इतनी सारी सुविधाएं फिर भी बीटाडीन की जरूरत है क्या, यानी हम अपने को नहीं पहचानते, हमारी शक्तियों को नहीं पहचानते, हमारी विद्याओं को नहीं पहचानते, आप बजरंगबली हैं, आपकी शक्तियों को जगाने की आवश्यकता है, राइट। रोपण है यानी ठीक भी करता है और समाधान करता है, समस्याओं का समाधान करेगा, मतलब घाव को भरेगा, उसका रोपण करेगा, उसका समाधान करेगा, घाव को ठीक करेगा। प्रदेह, कुष्ठ, श्वास, काश, हिक्का, ये लाभकारी, इन सारी बीमारियों में लाभकारी है। कुष्ठ यानी स्किन की बीमारियां, प्रदेह कोई दाह हो गया, खुजली उजली, स्किन की बीमारियां जो स्किन के ऊपर आप इसको लगाएंगे तो फायदा करेगा। श्वास की बीमारियों में काश, खांसी, हिक्का, मैंने इसकी वगैरह में सब में लाभकारी। योग वाही होता है, स्थूल तथा क्रश दोनों के लिए हितकारी है, तो कमजोर है तो उसके लिए भी अच्छा है, उसको शरीर में स्टेमिना देगा, ताकत देगा, और क्रश कमजोर के लिए हो गया और जो मोटा है उसको बैलेंस करेगा, यानी मोटे को पतला कर सकता है, पतले को मोटा करने की क्षमता आपके शहद में है। मद के भेद से मधु चार और चरक वो सुषुत आठ प्रकार का बताते हैं, चरक और सुषुत ऋषि जो है आठ प्रकार का मद का प्रकार बताते हैं, ठीक है। वैसे क्या है मद के भेद के दृष्टिकोण से यानी इसके प्रकार देखते हैं तो काइंड्स ऑफ हनी देखेंगे तो क्या मिलेगा, आप मुख्य रूप से तो मद चार, लेकिन चरक और सुषुत ऋषि ने जो आठ प्रकार इसके बताए। भ्रमर यानी भंवरे का पौतिक घृतवर्ण का होता है, इनकी चारों के जो है ना शक्ल कैसी होगी, ये शुक्ल वर्ण यानी थोड़ा सा हल्का होगा देखने में, भ्रमर भंवरे का जो शहद होता है कलर में
डार्कनेस में नहीं होगा और थोड़ा सा शुक्ल वर्ण का होगा। औत्रिक ये सब प्रजाति हैं के अलग अलग के हैं, तो ये घृत यानी घी के जैसे होगा और कपिल वर्ण का शूद्र का जो है प्रकार ये कपिल वर्ण का होगा और माक्षिक ये तेलाभम होगा, तेल के जैसे कलर का रहेगा। तो ये तो शहद के गुण बता दिए, अब देखते हैं कि गरम शहद के गुण क्या है। आपने सुना होगा कि गरम करोगे शहद तो विष बन जाता है, ठीक है। तो उष्ण मधु के गुण, उष्ण किया हुआ मद एक, उष्ण समय में प्रयुक्त किया हुआ मद यानी ऐसा शहद जो गर्म किया हुआ हो, या गर्मी के मौसम में उष्ण समय में प्रयुक्त किया हुआ, तीन कंडीशन बताइए इसकी अलग से देखते हैं। तो अपन एक तो गर्म किया हुआ शहद और गर्मी के समय में लिया हुआ शहद और उष्ण द्रव्यों के साथ प्रयुक्त मधु, इन तीनों ही स्थितियों में मधु मारक होता है। नोट करें, मारक होता है, ठीक है। ये कारक नहीं है, मारक है। कारक यानी शरीर में अच्छे फल देने वाला, और मारक का मतलब गलत फल देने वाला, विष के समान माना है, ठीक है। इसलिए आपको मना किया जाता है कि गर्म किया हुआ शहद और गर्मी में लिया उष्ण टेम्परेचर में रखा हुआ शहद। इसलिए कई कई कंपनियां बोल देती हैं भाई ऐसा है, गर्म क्षेत्रों से इसको बचाएं, कई जगह लिखा हुआ भी होता है। अब तेल वर्ग जो है हम थोड़ा, समय 9:30 हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम में ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवर ज्यादा भी हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है। तो हम इसको अभी, कोई आपके प्रश्न है तो हम उनको ले सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आनंद आया होगा आप लोगों को। जी तो किसी का कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। जी दादा प्रणाम, अनीता बोल रही हूँ मैं, नमस्कार। जी 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 अनीता जी प्रणाम। दादा मैं पूछ रही थी कि ये हटा दीजिए, शेयरिंग हटा दीजिए। जी दादा मैं पूछ रही थी कि जो घी है, ये जो वीगन लोग होते हैं मींस एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं, या फिर जो नॉनवेज नहीं यूज करते हैं, तो घी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट्स में तो कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल कम है तो उन्हें घी का सेवन करना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न, गुड अनीता जी, वेरी नाइस जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि प्लांट में तो केवल ट्राइग्लिसराइड होता है जी, और कोलेस्ट्रॉल केवल पशुओं के चीजों में ही आता है, लेकिन यहाँ कोलेस्ट्रॉल को जमने के लिए क्या चाहिए, ठंडा चीज
लेकिन ये जो घी हम आयुर्वेदिक तरीके से बना रहे होते हैं, हाथ से बनाया हुआ बिलोना, इसमें अग्नि तत्व के तीनों आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तीनों कंटेंट्स एनर्जी के कारक हैं। तो आधुनिक विज्ञान भी बोलता है कि इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सिद्ध इसलिए हो चुका है, A2 मिल्क के लिए बोला है जी। इसका जो कंटेंट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों को जब आप चलाते हैं अच्छे से, मथते हैं मथनी से, तो मथनी से मथा हुआ घी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता तो है, कौन सा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा? देखिए, दो खराब कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में मौजूद है जिनका LDL और VLDL, ठीक है, LDL और VLDL, और ये बढ़ाएगा कौन सा? ये कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ाएगा, लेकिन कौन सा बना? HDL बढ़ाएगा, और हमको चाहिए बढ़ावा क्या? HDL, HDL और LDL VLDL के बीच का रेशियो 25% एक्सेस होना चाहिए, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है, एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेस होने के लिए जो चीज की जरूरत है वो HDL में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बहुत डीपेस्ट इनको भी नहीं पता, आज के आधुनिक विज्ञान को ये नहीं पता, इनको ये पता है कि बस ये बढ़ रहा है ये घट रहा है बस। तो HDL में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों चीजें जब आप देंगे तो HDL बढ़ेगा। तो जो मथनी का जो मथा हुआ घी है वो आपका HDL बढ़ाएगा, तो LDL और VLDL जो खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है ऑलरेडी वो गल करके कम हो जाएंगे जी, तो रेशो उनका कम हो जाएगा जी। क्लियर जी दादा। एक और क्वेश्चन है, हाँ जी, ये ज्यादा शुगर केन जूस की बताई आपने, गन्ने का जो जूस है, इससे ईआर भी कम होगा अगर ये रक्त को साफ करेगा तो, ब्लड को साफ करेगा तो, रक्त जो शुगर केन जूस है, मतलब ये गन्ने का जो जूस है ये ईएसआर इसको भी कम करेगा? ईएसआर, हाँ जी, हाँ ईएसआर में कमी ला सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कृमि को भी बढ़ा रहा है जी दादा जी, ध्यान रखिएगा, ज्यादा मात्रा में लोगे तो कृमि बढ़ाएगा, कम मात्रा में लोगे तो आपको कम कर सकता है ईएसआर कुछ हद तक, लेकिन ज्यादा मात्रा में ईएसआर बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिए जी दादा। तो इसकी क्वांटिटी जैसे देनी हो, जैसे ईएसआर बड़ा हो तो उसमें कितना देना है? 50 ml से ज्यादा दोगे और वैसे ही लार में मिक्स करके लोगे और उनको तुरंत साफ करना है जी दादा, तरीका बदलना होगा जी, राइट, यही चीजें जानने जी दादा जी। थैंक यू सो मच, प्रणाम दादा, प्रणाम प्रणाम। वह विषय की बारीकी को समझना है, मतलब आदमी चाहे ना तो जी, अच्छी चीज को अमृत को भी जहर बना दे, जहर को भी अमृत बना दे जी। तो आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो कहीं किताब में नहीं है, ये सिर्फ अनुभव के विषय हैं जी दादा। और किसी का कोई सवाल? तो क्या हम समझे कि हो गया आज का चैप्टर कंप्लीट? जी दादा, समापन करते हैं। सभी को नमन, प्रणाम, प्रणाम दादा, प्रणाम। बहुत जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं पंचकर्मा का, प्रणाम सभी को, प्रणाम, प्रणाम।